नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है पारितोष जोशी। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय बल्लेबाजी.com। आईपीएल 14 का 12वां मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज। और अब इस मैच में अगर बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी के अगेंस्ट एक टफ चैलेंज होने वाला है क्रिस मॉरिस एंड को का, क्योंकि क्रिस मॉरिस को 16.5 करोड़ में लिया था राजस्थान रॉयल्स ने और अपना स्टैम्प छोड़ दिया है क्रिस मॉरिस ने पिछले मैच में एक शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर। इस वीडियो में बात करेंगे प्रोबेबल 11 राजस्थान रॉयल्स की। और अगर प्रोबेबल 11 की हम बात कर रहे हैं तो हमें बात करनी पड़ेगी यहाँ पर जो दो तीन प्लेयर्स असेंशियल होने वाले हैं। एक तो आप क्रिस मॉरिस का नाम रख लीजिए, ऊपर से जो रिप्लेसमेंट आए थे बेन स्टोक्स के वो भी कंफर्म्ड टीम में होंगे, डेविड मिलर की बात चल रही है यहाँ पर। इसके अलावा जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है ओपनिंग स्लॉट। ओपनिंग स्लॉट नहीं चला है अभी तक, राजस्थान रॉयल्स का क्लिक नहीं कर रहे हैं ओपनर साथ में, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर उनको बैक किया जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि पिछले मैच में विक्ट्री मिल गई थी। जॉस बटलर, जी हाँ, जॉस बटलर को एक बार फिर आप देख सकेंगे ओपनर में राजस्थान रॉयल्स के। उनके साथ मनन वोरा से मैं थोड़ा एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, हालांकि पंजाब के लिए पहले काफ़ी अच्छे पारियाँ खेल चुके हैं, लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ राजस्थान उन्हें और चांस दे और इस बार शायद मनन वोरा फायर करें। जॉस बटलर, मनन वोरा होंगे ओपनर्स, उसके बाद संजू सैमसन कप्तान और अभी तक के बेस्ट परफॉर्मर बैट से रहे हैं दो मैचेस में। पहले मैच में शतक मारा था, दूसरे मैच में हालांकि क्लिक नहीं कर पाए, आउट हो गए जल्दी, लेकिन संजू सैमसन जो कप्तान और विकेट कीपर हैं राजस्थान रॉयल्स के, उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो एक शानदार पारी दोबारा खेलें चेन्नई के विरुद्ध। यहाँ पर शिवम दुबे को एक बार फिर रखा जाएगा मिडिल ऑर्डर में। उसके अलावा डेविड मिलर को आपको मैंने बता ही दिया कि कंफर्म्ड है कि जो उन्हें लाया गया था बेन स्टोक्स का एज अ रिप्लेसमेंट इस साइड में, उन्होंने शानदार पारी खेलते हुए अपना नाम स्टैम्प कर दिया है प्लेइंग 11 के लिए। रयान पराग को एक बार फिर आप मिडिल ऑर्डर में देखेंगे और ये यंग खिलाड़ी बहुत असेंशियल होने वाला है राजस्थान रॉयल्स के लिए थ्रू आउट द सीज़न। पिछले सीजन भी हमने देखा था एक फायर पावर हिटिंग इनके अंदर है और वैसी ही कुछ पारियां आपको देखने मिल सकेंगी रयान पराग से। रयान पराग के अलावा राहुल तेवतिया एक बार फिर दिखेंगे आपको पिंक और ब्लू में और राजस्थान रॉयल्स के। इसके अलावा क्रिस मॉरिस कन्फर्म्ड, पिछले मैच के इनिंग्स की बात करें तो उसके चलते ही राजस्थान को विक्ट्री मिली थी, डिफीट से खींच लिया उन राजस्थान रॉयल्स को वापस क्रिस मॉरिस ने, 16.5 करोड़ को जस्टिफाई किया और इसीलिए उनका नाम है कन्फर्म्ड इस साइड में। इसके अलावा चेतन सकारिया एक यंग बॉलर और अच्छी परफॉर्मेंस रही है अभी तक, चेतन से एक बार फिर एक्सपेक्टेशन है कि वो प्लेइंग 11 में इजीली अपना स्पॉट रिटेन करेंगे। जयदेव उनदकट और मुस्तफिजुर रहमान ये दो खिलाड़ी हैं जिनको आप एक बार फिर देख पाएंगे। उनदकट ने बहुत इंप्रेस किया था लास्ट मैच में दिल्ली के अगेंस्ट और एक बार फिर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर उनदकट से अच्छी परफॉर्मेंस आ सकेंगी राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो ये थी प्लेइंग 11 प्रोबेबल राजस्थान रॉयल्स की चेन्नई के अगेंस्ट। अगर आप इस सब का शौक रखते हैं, आईपीएल लगातार देखते हैं और फैंटेसी 11 की टीम्स बनाते हैं तो डाउनलोड करें बल्लेबाजी.com ऐप। 50 करोड़ का टोटल पूल है, इसमें लाखों करोड़ों के प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। इसके अलावा अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके अपना प्रोबेबल 11 बताएं और बताएं कि राजस्थान के लिए कौन सा प्लेयर है सबसे क्रूशियल। शेयर कर दें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि हम लाइव आएंगे बार बार आईपीएल के थ्रू आउट, और ताकि आप हमारे साथ लाइव पर जुड़ सकें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।